यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रकोप बढ़ने लगता है, तब तब मेरा अवतार इस सृष्टि को पाप मुक्त करने हेतु निश्चित तौर पर होता है। ये श्लोक भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र अर्जुन से कहा था। आप ये जान लीजिए कि जब भी किसी प्रकार की आतताई बढ़ने लगती है, तब भगवान का अवतार अवश्य होता है, चाहे वह कोई भी युग हो। वर्तमान में कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में कल की अवतार होगा। कल की अवतार के रूप में भगवान विष्णु अपना 10वां रूप प्रकट करेंगे। अभी तक भगवान विष्णु के 9 अवतार प्रकट हो चुके हैं, जिनमें पहला अवतार मत्स्य के रूप में, दूसरा कूर्मा, तीसरा वरहा, चौथा अवतार नरसिम्हा, पांचवा अवतार वामन, छठा अवतार परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नौवां बुध और 10वां जो अभी होना शेष है, कल की अवतार। धार्मिक ग्रंथों का कहना है, ये बात सत्य है कि ऐसा जरूर होगा। लगभग 300 वर्षों से श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के 6वें दिन कल की जयंती मनाई जाती आ रही है। जयंती को विधिवत मनाने की शुरुआत राजस्थान के मावजी महाराज ने की थी। इस वर्ष कल की जयंती 3 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि की शुरुआत 3 अगस्त 2022 को सुबह 5:41 पर होगी और इस तिथि की समाप्ति अगले दिन 5:40 पर होगी। वहीं कल की जयंती मुहूर्त 3 अगस्त 2022 को शाम 4:45 से 7:30 तक रहेगा। कल की जयंती के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। कल की जयंती पर ब्राह्मणों को भोजन दान करना महत्वपूर्ण है। कल की जयंती की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात भगवान कल्कि जी की प्रतिमूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें वस्त्र पहनाने चाहिए। भगवान कल्कि को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अगरबत्ती से पूजा करें। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान कल्कि जी से परिवार की सुख शांति की कामना करनी चाहिए। भगवान कल्कि भगवान विष्णु के ऐसे अवतार है जो उनकी लीला रचने से पहले ही भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। उनके आगमन की उम्मीद में ये त्योहार कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। देश में कल्कि अवतार के कई मंदिर भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार होगा। उनका वाहन देवदत्त नाम का सफेद घोड़ा होगा। यह पापियों का संहार करेंगे और साधु संतों एवं पवित्र मन वाले लोगों की रक्षा करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। भगवान कल्कि के अवतार लेते ही सतयुग का आरंभ होगा और कलयुग का अंत होगा। माना जाता है कि भगवान कल्कि मनुष्य के हृदय में भक्ति भाव जगाएंगे। लोग धार्मिकता के मार्ग और शुद्धता के युग का पालन शुरू कर देंगे। भगवान कल्कि देवदत्त नामक अश्व पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे। साधु संतों एवं शुद्ध हृदय वालों की रक्षा करेंगे। भगवान कल्कि भगवान शिव के भक्त होंगे और इनके गुरु भगवान परशुराम होंगे। अतः आप भी कल की जयंती पर भगवान विष्णु की आराधना कर कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।